नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और आज का हमारा ये सत्र कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। लेकिन जो आज का हमारा विषय है, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, मैं समझती हूँ केवल सिर्फ कक्षा 10 या केवल एक विषय तक सीमित नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है वॉर मेमोरियल डेडिकेशन टू आर आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं समझती हूँ कि ये जो विषय है वो भारत के हर एक नागरिक के लिए है, ना सिर्फ किसी एक छात्र के लिए, ना सिर्फ किसी कक्षा के लिए, बल्कि समस्त भारत के लिए। और इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के डायरेक्टर कर्नल आकाश खजान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो इस सत्र के लिए, आप हमसे कुछ भी शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव प्रसारित हो रहा है। तो चलिए हम सीधे सर की तरफ रुख करते हैं और सर से जानते हैं कि जो आज का हमारा ये टॉपिक है स्पेशल, सर, वॉर मेमोरियल सर इंडियन आर्मी फोर्स हमारे लिए है। तो सर, आज हम इसमें क्या हमारे दर्शकों को आप बताने वाले हैं? जय हिंद। आई एम कर्नल आकाश, आई एम फ्रॉम नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे देश की तरफ से हमारे सैनिकों के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए एक डेडिकेशन है, उनको एक प्रणाम है एक तरफ से। जैसे जो उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको ये दर्शाता है। आपको सबको मालूम होगा मेमोरियल्स दुनिया में सब जगह बनते हैं, हमारे देश के कोने कोने में भी मेमोरियल्स बने हैं। सो दीज मेमोरियल्स दे आर डेडिकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर कॉज एंड दे ऑल्सो शो इन अ वे आर रिस्पेक्ट आर ग्रैटिट्यूड टू आर आर्म्ड फोर्सेज के जो हमारे देश के जवानों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है, अपनी जान का, अपने प्राणों की आहुति दी है देश के बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए और देश के अंदर हम सबको सेफ रखने के लिए। तो उसको ये एक तरह से हमारा नमन है। जब नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा 2019 में, 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था, और उन्होंने ये एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से हमारे देश के जवानों को समर्पित किया था। यहाँ पे इसके डिज़ाइन के बारे में और यहाँ पे और क्या क्या वहाँ पे क्या डिज़ाइन है, क्या कॉन्सेप्ट है और मेमोरियल कैसे लेआउट किया गया है, मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। बट सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम आखिरकार एक मेमोरियल बनाते क्यों हैं और इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। बिल्कुल सर, और जैसे कि आपने कहा कि मेमोरियल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज का जो हमारा ये सेशन है वो हमने स्पेशल डेडिकेट किया है नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए। तो इससे पहले मेमोरियल जैसे आपने कहा बहुत है, लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल में ऐसी क्या खासियत है वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी ज़रूर। सो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नेशनल वॉर मेमोरियल हमारे उन जवानों के लिए बनाया गया है जिन्होंने आज़ादी के बाद से अब तक अपने जान का बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए। इंडिया गेट, जैसे आप जानते हैं, बिल्कुल दिल्ली के सेंटर में है और इट डिनोट्स द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द इंडियन सोल्जर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन वी वर फाइटिंग अंडर द ब्रिटिश आर्मी, अंडर द ब्रिटिश फ्लैग। सो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंडर लड़ते थे अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। सो इंडिया गेट में उन शहीदों के नाम लिखे गए हैं, तकरीबन 17,000 नाम हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से 1947 ऑनवर्ड्स जितनी भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंतरिक एज वेल एज आउटसाइड, उनमें एक ऐसा सेंट्रल लोकेटेड सेंट्रल मेमोरियल डेडिकेटेड नहीं था आर्म्ड फोर्सेस के लिए। सो सबसे पहले दिस वाज वन ऑफ द इनिशियल थिंग्स विच वाज डन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था और एक छोटे से 10 महीने के ड्यूरेशन में इसको बनाया गया और फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया गया। अब आज 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे हमारे 26,451 जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, और दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेमोरियल। ये हमारे देश का सेंट्रली लोकेटेड एक अनोखा मेमोरियल है जहाँ पे सभी जवानों के नाम एक ही जगह लिखे गए हैं। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ सर वहाँ पे हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर ज्योति भी जलाई जाती है। या सो आई विल टेल यू अबाउट द डिज़ाइन, हाउ इट वाज डिज़ाइन एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सो आप नेशनल वॉर मेमोरियल में जब आएंगे, इंडिया गेट से तकरीबन 200 मीटर आगे है राजपथ के डायरेक्शन में। सो नेशनल वॉर मेमोरियल का जो डिज़ाइन है, इट्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स,
चक्रव्यूह, जैसे हमने सुना है महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह का एक बैटल फॉर्मेशन था जिसका इस्तेमाल किया जाता था. सो नेशनल वॉर मेमोरियल का भी जो डिज़ाइन है इसी बेसिस पे बनाया गया है. सो इसमें चार तरह के चक्र हैं जो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं. इनफैक्ट दे टेल यू द स्टोरी ऑफ अ सोल्जर, द जर्नी ऑफ अ सोल्जर फ्रॉम द टाइम ही जॉइन्स द फोर्सेस टिल द टाइम ही मेक्स अ सुप्रीम सैक्रिफाइस. सो इसमें चार चक्र हैं. सबसे बाहरी चक्र को हम कहते हैं रक्षा चक्र, जिसमें 700 पेड़ लगाए गए थे मेमोरियल को. चारों तरफ से वो पेड़ घेर के रखते हैं और ये सब ये दर्शाते हैं जिस तरह से हमारे जवान हमारे देश को चारों तरफ से सुरक्षित रखते हैं. और चाहे वो दुश्मन का हमला हो, चाहे वो प्राकृतिक कोई आपदा हो, या ऐसा कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ये हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, देश को चारों ओर से थ्रू आउट द ईयर सुरक्षित रखते हैं. सो ये सबसे आउट बाहरी चक्र जो है वो है रक्षा चक्र. उसके बाद जब हम थोड़ा अंदर आते हैं तो ग्रेनाइट की वॉल्स लगी हैं. देर आर टोटल 8 वॉल्स, अगेन वो एक सर्कुलर फैशन में हैं, और इसको हम कहते हैं त्याग चक्र. ये एक तरह से मेमोरियल की आत्मा है, इट्स अ सोल ऑफ दिस मेमोरियल, जिसपे सभी शहीदों के नाम लिखे गए हैं. हम इनको बैटल कैजुअलिटीज़ कहते हैं. तो ये बैटल कैजुअलिटीज़ के नाम लिखे गए हैं. और जैसे चक्रव्यूह फॉर्मेशन होता था क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरह से देर आर टोटल 4 सर्कल्स, और 1947 से ये सर्कल शुरू होता है और आज की डेट तक 2022 तक ये सारे नाम अब तक के जितने भी हमारे शहीद हैं वो लिखे जा चुके हैं. उसके बाद हम थोड़ा और अंदर जाते हैं. सो एक सेमी बेसमेंट वाले इलाके में हमारा तीसरा चक्र आता है जिसको हम कहते हैं वीरता चक्र. वीरता चक्र कुछ ऐसे बैटल्स हमने लिए थे जो बेसिकली आर्मी नेवी एयरफोर्स के आपस के कोऑपरेशन में और आपस में जहां वो मिलके लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे एक कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था कि अपने आप में कोई लड़ाई पूरी नहीं होती है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलके लड़ते हैं. सो वहां पे 6 बैटल्स हैं जिसमें कुछ बैटल्स के बारे में शायद आपको पता होगा, आप सब ने बॉर्डर फिल्म ज़रूर देखी होगी. बैटल ऑफ लोंगेवाला एक बहुत ही महान बैटल है हमारी हिस्ट्री, हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का. 1971 वॉर में टुवर्ड्स द वेस्टर्न फ्रंट रेगिस्तान में, जहाँ पे एक कंपनी ने एक हमारी एक भारतीय सेना की कंपनी ने एक पूरे एनिमी के आर्मर्ड ब्रिगेड एडवांस को रोक के रखा था, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था. और सब्सिक्वेंटली जब सुबह हुई थी तो फिर एयरफोर्स के विमान आए थे, एयरफोर्स जेट्स हैड कम एंड दे हैड टोटली डिस्ट्रॉयड द एनिमी आर्मर. सो इट्स अ यूनिक बैटल इन इटसेल्फ, जहाँ पे एक छोटी सी टुकड़ी ने एक पूरी एनिमी टैंक सेना को रोक के रखा था. इसी तरह से काफ़ी देर आर 6 बैटल्स जो वहाँ पे दर्शाए गए हैं, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ रेजांगला, वन ऑफ द फेमस बैटल्स जो हम कहते हैं लास्ट स्टैंड. जैसे जब लड़ाई होती है तो हम आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक हम वो लड़ाई लड़ते हैं, उस तरह से रेजांगला की एक बहुत ही फेमस लड़ाई है. आप सब ने उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, नहीं अगर आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो यू मस्ट रीड अबाउट इट. द बैटल ऑफ रेजांगला जो कि कुमाऊं रेजिमेंट की कंपनी थी, जहाँ पे उन्होंने चारों ओर से चाइनीज ट्रूप से घिरने के बावजूद उन्होंने अपना पोजीशन नहीं छोड़ा, आखिरी दम आखिरी गोली तक वो लड़ते रहे. इनफैक्ट पूरी कंपनी एक तरह से इसमें शहीद हुई थी. सिर्फ 2 लोगों को जिंदा पकड़ने में चाइनीज वर एबल टू कैच ओनली 2 पीपल अलाइव, रेस्ट एवरीबडी हैड फॉट टिल द एंड. और ये ऐसी एक कहानी है जो मुझे बोलते बोलते ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं. एंड आई एम श्योर यू मस्ट रीड अबाउट इट. इट विल टीच यू, इट विल टेल यू व्हाट आर फोर्सेस आर एक्चुअली केपेबल ऑफ एंड व्हाट दे एक्चुअली डू टू कीप दिस कंट्री सेफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एग्रेशन. सो दैट इज़ द 3rd सर्कल, इसको हम वीरता चक्र कहते हैं, सर्कल ऑफ ब्रेवरी. एंड फाइनली इन द सेंटर इज द अमर जवान ज्योति, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी. इसमें हमारी अमर जवान ज्योति है जो कि 24 घंटे 365 दिन लगातार जलती रहती है. इसके बगल में लगातार 24 घंटे 365 दिन एक गार्ड खड़ा रहता है. और बेसिकली ये दर्शाता है, जैसा कि हम मानते हैं कि एक सोल्जर की जो आत्मा है, एक जवान की जो आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है, वो हमेशा अमर हो जाती है. तो इसको हम अमर चक्र कहते हैं, सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी. सो बाहर से अंदर की ओर रक्षा चक्र, त्याग चक्र, वीरता चक्र और अमर चक्र, ये चारों चक्र मिला के हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल का ये डिज़ाइन और ये कॉन्सेप्ट है. सो एक तरह से ये दर्शाता है कि कैसे एक सोल्जर, एक जवान, एक अफसर,
चाहे आर्मी एयरफोर्स या नेवी का हो, वो कैसे उसकी जो जर्नी है एज अ सोल्जर फ्रॉम द टाइम ही ज्वाइंस टिल द टाइम ही अटेन्स मार्टिरडम और टिल द टाइम ही मेक्स अ सुप्रीम सैक्रिफाइस, ये एक पूरी जर्नी को दर्शाता है. आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू कम टू द नेशनल वॉर मेमोरियल. आपको वहाँ आना चाहिए. त्याग चक्र में आज की डेट में 26,451 नाम लिखे गए हैं और हर एक नाम में एक कहानी है. आई विल इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू ऑल द स्टोरीज इन सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बट यू मस्ट कम देयर. वी हैव गाइड, वी हैव अशर्स ऑन द लोकेशन. वो आपको उसका गाइडेड टूर कराते हैं, वो आपको पूरा घुमाते हैं. दे विल टेल यू अबाउट द पीपल हुज नेम्स आर रिटन देयर एंड यू शुड एंड यू मस्ट कम टू नो अबाउट द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस दिस आर्मी दिस नेवी एंड दिस एयरफोर्स ऑफ दिस कंट्री मेक फॉर पीपल ऑफ आर कंट्री. थैंक यू सर, आपने इतनी डिटेल तरीके से हमारे दर्शकों को वॉर मेमोरियल के अपने डिज़ाइन के बारे में बताया, साथ ही उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया. लेकिन सर हम बात करें, जैसे मेमोरियल्स तो हमने बहुत है, नेशनल वॉर मेमोरियल की आपने यहाँ पर बात करी, लेकिन सर आप जैसे नेशनल डेज में या सेरेमनीज में क्या इम्पोर्टेंस होती है ऐसे मेमोरियल्स को अगर हम याद करें या फिर उनके बारे में पढ़ें या उनके बारे में जानें या उनके वहाँ पर विजिट भी करें तो? हाँ, सो जैसे कि पिछले 3 साल से हो रहा है जब से मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तब से सारी ऑफिशियल सेरेमनीज मेमोरियल से ही शुरू होती हैं. आपने अगर 26 जनवरी की परेड देखी होगी, विच आई एम श्योर आप सब टीवी पर देखते होंगे, कुछ लोगों ने साक्षात्कार देखा होगा. सो द परेड स्टार्ट्स फ्रॉम द, इन अ वे इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेमोरियल. सबसे पहले जो भी हमारे चीफ गेस्ट हैं उस दिन के, इन दिस केस द प्राइम मिनिस्टर, सो दे कम टू द मेमोरियल फर्स्ट और सबसे पहले वो जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. वहाँ पे रीथ लेइंग करते हैं, हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख वहाँ पे होते हैं और उसके बाद वो वापस राजपथ पे जाके फिर उसके बाद परेड शुरू होती है. इसी तरह से हमारा आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे के दिन हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख नेशनल वॉर मेमोरियल में आते हैं, वहाँ पे रीथ ले करते हैं, अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जवानों को और उसके बाद वो अपने नेक्स्ट फंक्शन में जाते हैं. सिमिलरली कारगिल विजय दिवस है, 71 वॉर विजय दिवस है, जितने भी ये विजय दिवस हैं या जो भी ऐसे हमारे नेशनल इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स पे नेशनल वॉर मेमोरियल में रीथ लेइंग की सेरेमनी की जाती है. इसके अलावा कोई भी बाहर के देशों से, जैसे आज ही सुबह एक फ्रेंच आर्मी का डेलीगेशन आया था हमारे यहाँ पे, अलग अलग देशों से उनके हेड ऑफ स्टेट्स आते रहते हैं, कभी देयर आर्मी चीफ्स, देयर नेवी एंड एयरफोर्स चीफ्स. इनफैक्ट इन दिस पर्टिकुलर वीक ओनली वी हैव कंडक्टेड द चीफ्स फ्रॉम डिफरेंट आर्मीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम जापान एंड टुडे फ्रॉम फ्रांस. सो ऑल दीज पीपल व्हेनेवर दे विजिट इंडिया ऑन एन ऑफिशियल विजिट, दे ऑल ले अ रीथ एंड दे पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज. सो दैट्स अ डन प्रोसीजर. इसके अलावा एक जो मैं यहाँ पे सेरेमनी होती है, एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास सेरेमनी होती है जो कि हर रोज़ शाम को होती है, विच इज़ समथिंग विच अगेन आई वुड अर्ज ऑल ऑफ़ यू टू सी दैट सेरेमनी, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन सेरेमनी. नेक्स्ट ऑफ किन आर्मी में वो लोग होते हैं, परिवार के वो सदस्य होते हैं, जिस परिवार से कोई भी शहीद होता है उसके परिवारजनों को हम नेक्स्ट ऑफ किन कहते हैं. वो चाहे फादर, मदर, वाइफ, बेटा, बेटी, कोई भी हो सकता है जो भी उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है. सो हर रोज़ शाम को सनसेट से पहले, इससे पहले कि फ्लैग्स, हम जैसे हर रोज़ सनसेट में फ्लैग्स डाउन करते हैं, तो उससे पहले एक नेक्स्ट ऑफ किन सेरेमनी होती है जहाँ पे इन किसी भी एक शहीद के परिवार से वहाँ उनके परिवार के सदस्य नेक्स्ट ऑफ किन आते हैं और वो हमारे उस टाइम के चीफ गेस्ट होते हैं, वो हमारे सबसे ख़ास मेहमान होते हैं उस टाइम, और वो वहाँ पे आके रीथ ले करते हैं और उनके, वो हमारे हम सब के बिहाफ पे वहाँ पे अपना रीथ ले करते हैं और उसके बाद ये उनको एक तरह से, हमारी तरफ से एक ऑनर है, उनको हम वहाँ पर ऑफिशियली कंडक्ट करते हैं नेक्स्ट ऑफ किन को. सो दिस सेरेमनी इट इज़ एक्चुअली अ सेरेमनी टू बी वॉच्ड. हमें जनरली सेरेमनी में शाम के टाइम काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग उस टाइम पे आते हैं. आजकल तकरीबन 6:30 बजे सेरेमनी होती है शाम के टाइम, एंड एट एनी गिवन टाइम देर आर अबाउट 1,000 to 2,000 पीपल स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स हु वॉच दिस सेरेमनी. एंड हमें कभी किसी को ऐसे वहाँ पे चुप रहने की या शोर ना मचाने की, ऐसा कुछ बोलने की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. लोग अपने आप
में दे रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इवेंट, वो उस जो इवेंट हो रहा है, जो ऐसा एक पल है, वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, सब चुपचाप रहते हैं, कोई गलत शोर नहीं मचाता, और इट्स अ साइट टू बी सीन, आई रियली कांट डिस्क्राइब इट। अगर आप खुद आके देखेंगे, आप महसूस करेंगे उस टाइम पे वहाँ कैसी फीलिंग होती है। जैसा कि मैंने कहा, हर एक पत्थर जो त्याग चक्र में लगा हुआ है, हर एक नाम जो लिखा हुआ है, अपने आप में एक कहानी है। जब ये उनके परिवार के सदस्य आते हैं और अपने अपने ही परिवार के किसी सदस्य का नाम देखते हैं जो वहाँ लिखा होता है, सो देयर टीयर्स आर फ्लोइंग, इमोशंस आर वेरी हाई, इट्स अ वेरी सॉलम थिंग टू बी सीन, एंड इट इज़ समथिंग विच यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इफ यू आर देयर इन द मेमोरियल। सो दैट्स अनदर रीजन वाई वी ऑल शुड बी देयर एंड सी इट। बिल्कुल सर। और सर, जैसे कि आपने कहा कि हर किसी को एटलीस्ट हर मेमोरियल में, और स्पेशली नेशनल वॉर मेमोरियल में, एक ना एक बार अपनी लाइफ में जाना चाहिए, तो सर डू यू रियली थिंक कि जिन जो मेमोरियल्स होते हैं उनका हमारे जो यूथ है, हमारे आज के जो हमारे कंट्री का जो यूथ है, उस पर कोई इम्पैक्ट है, या फिर इट रियली डज कॉन्ट्रीब्यूट इन आर नेशन बिल्डिंग एज वेल? जी 100%। आई वुड टेल यू, हमारे इस मेमोरियल में देर इज अनदर प्लेस जिसको हम परम योद्धा स्थल कहते हैं, परम वीर चक्र, जहाँ पे जितने भी हमारे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जो वॉर टाइम में परमवीर चक्र, 21 परमवीर चक्र विजेता रहे हैं आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में, इन सब की प्रतिमा, इन सब का एक ब्रॉन्ज का स्टैचू वहाँ लगाया गया है, सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं का। और लाइक आई सेड अगेन, एक एक परमवीर चक्र विजेता की स्टोरी है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जो मुझे अपना बचपन याद आता है, जब मैंने अपने बचपन में कहानी पढ़ी थी मेजर सोमनाथ शर्मा की, मेजर सोमनाथ शर्मा स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। सो मैंने अमर चित्रकथा कॉमिक्स आती थी उस टाइम पे, उसमें मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में, कि किस तरह उन्होंने अपनी कुमाऊं रेजिमेंट के साथ लड़ते लड़ते, जो पाकिस्तानी हमलावर थे उनके साथ लड़ते लड़ते, किस तरह श्रीनगर एयरपोर्ट को उन्होंने बचा के रखा और दुश्मन के हाथ में नहीं गिरने दिया, जिसके फलस्वरूप इंडियन फोर्सेस वहाँ लैंड कर सकी, और उसके बाद हमने पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ना शुरू किया। जब मैं पहली बार मेमोरियल आया और मैंने उनकी प्रतिमा वहाँ देखी, सो इट इज़ अ कंप्लीट जर्नी, जिस वजह से मैं फ़ौज ज्वाइन किया, और उसी फौज को, उसी फौज में काम करते करते 25 साल बाद जब मैं वो प्रतिमा देखता हूँ, तो एक तरह से वो जर्नी कम्प्लीट होती है। सिमिलरली लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी ऑफ द country, I would also tell you about the last Paramveer Chakra awardee of the country, which I'm sure you all know. You must have seen the movie Captain Vikram Batra. Vikram Batra is my course mate. He still is my course mate. So humne training saath mein ki, humne saath mein academy mein ragda lagta hai, to humne saath mein ragda khaya hai, saath mein humne bahut kuch jo ke us time mein youngster ke time mein aap kaam karte hain, wo sare kaam humne saath mein kiye hain, और आज पूरा देश उसको जानता है। इससे बड़ी मोटिवेशन मेरे को लगता है और कोई नहीं हो सकती। मैं आज भी उनके परिवार के साथ मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनके भाई के साथ मिलता रहता हूँ अगेन। सो जो मेरा उसके साथ रिलेशन था पहले, आज से 22-23 साल पहले, व्हेन ही वाज स्टिल अलाइव, और जो आज उसका पूरे देश में एक तरह से स्टेचर है, जैसे उसको आई वुड से इवन बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, सो इट्स अगेन अ कम्प्लीट जर्नी। ऐसा कोई लेक्चर, ऐसा कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं है जो आपको मोटिवेट करेगा फौज के लिए, बट अगर आप मेमोरियल में आएंगे और वहाँ पे आके अपने जवानों की कहानी सुनेंगे, आई थिंक उससे बढ़िया मोटिवेशन और कोई नहीं हो सकती। ऑल दी स्टोरीज आर ट्रू, ऐसा कोई उसमें फिक्शनल एलिमेंट नहीं है जो इन लोगों ने हमारे देश के लिए किया है, वी कांट इवन इमेजिन। So these are the stories जिसको सुन के हम बड़े हुए हैं, and I would urge all of you to listen to these stories. We have a souvenir shop in the memorial. हमारे वहाँ एक छोटा सा souvenir shop भी है जहाँ पे ये सारी stories एक comics के format में हैं. You all should see and read them. There's a lot of information available there, and there's a lot of information available online. हमारा एक website है nationalwarmemorial.gov.in. You must visit that website. It has got complete information about the present memorial as well as the history about each and every soldier. बिल्कुल सर। और मैं समझती हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो कोई समय, बिल्कुल हर समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे इस सत्र में हमारे पास आखिरी के 5 मिनट हैं, तो सर मैं आपसे, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न यही रहेगा,
हमने बात करी इंडियन आर्मी के बारे में, आपने बहुत कुछ आज हमारे दर्शकों को बताया, आपने मुझे खुद सिखाया यहाँ पर किस तरह से सर, मैं क्योंकि मैं अभी भी समझती हूँ जो हमारे देश की जो जनता है, जो यूथ है, वो अभी भी कुछ ही उसका एक सेक्टर, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ही अभी भी इंडियन आर्मी या कोई भी इंडियन हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए तत्पर है। तो किस तरह से हम अपने यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो हमारी कंट्री के किसी भी फोर्सेस को, किसी भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें, या इसके बारे में थोड़ा सा मोटिवेट हो और इस तरह से वो आगे बढ़ सके और इसको ज्वाइन आगे कर सके। देखिए फोर्सेस को ज्वाइन कैसे करना है, देयर इज एनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, आप प्लीज जाइए पढ़िए उसके बारे में। लेकिन फोर्सेस को ज्वाइन क्यों करना है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती, एक फौजी से बेहतर कोई लाइफ नहीं हो सकती जो आप देश के लिए करते हैं एज अ फौजी, एन एस ए फौजी, आई मीन आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो जो आप एक एज अ फौजी देश के लिए करते हैं वो इट इज़ अनमैचेबल, इट्स अनमैच्ड, नो यू कांट कंपेयर इट टू एनीथिंग एल्स, एंड दैट इज़ जस्ट द लाइफ एंड द काइंड ऑफ डेथ इफ एट ऑल। लाइक फौज में हम कहते हैं कि वीर गति, डाइंग ऑन अ बैटल फील्ड इज़ प्रॉब्ली द अल्टीमेट, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इन, इट इज़ द अल्टीमेट। सो देश के लिए जीना एक बात होती है, लेकिन देश के लिए मरना जो जज्बा है ये इट इज़ अगेन अनमैच्ड। मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी प्रोफेशन हैं वो देश के लिए काम नहीं करते, 100% करते हैं, दे हैव देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंट्री बिल्डिंग, बट द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन यू गेट एवरी नाइट व्हेन यू कम बैक आफ्टर डूइंग योर डेज चोर्स, यू डूइंग योर ड्यूटीज, वेदर यू आर ऑन बॉर्डर और यू आर इन अ सिविल एरिया, आप कहीं पर भी हैं, जैसा आप पूरा दिन का काम करके और नाइट का ड्यूटी करके जब आप वापस अपने बंकर में आते हैं, और जो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है जब वापस आप अपने घर वालों से बात करते हैं, आजकल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, आप किसी भी देश के किसी भी कोने से अपने घर बात कर सकते हैं, आर्मी प्रोवाइड यू ऑल दीज फैसिलिटीज़, सो वो जो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट आई एम श्योर नो अदर प्रोफेशन कैन गिव यू। सो यू माइट गो टू एनी अदर जॉब, मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड फील रिच, बट द काइंड ऑफ लाइफ यू लिव इन द आर्मी एंड वॉट यू डू फॉर योर कंट्री लाइक दैट, वेन यू स्टैंडिंग इन यूनिफॉर्म in front of 200 people and they all respect you just because you're wearing that uniform, that you can't purchase from anywhere, no amount of money can help you purchase that. So I don't think there's a better motivation than that, than to be in uniform. My own daughter, she's 13 years old, class 9th mein padhti hai, aur kabhi kabhi hamari baat hoti hai is bare mein, fauj ke bare mein, in the sense that के फौज में बिकॉज हम अलग रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज पोस्टेड इन फील्ड एरिया, सो मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ, तो उसको लगता है कि उसके फादर को उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन जब भी मैं उसे कहता हूँ कि मैं ठीक है मैं ये छोड़ के मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, सो आई स्टे विद यू, शी ऑलवेज सेड नो बाबा डोंट लीव आर्मी। सो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ मोटिवेशन, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट फ्रॉम योर ओन फैमिली, आई मीन योर ओन किड्स टेलिंग यू दैट पापा जो आप कर रहे हो वो बहुत दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट फॉर द नेशन, आई थिंक उससे बेटर कोई और कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही कि जो आर्मी का जो प्राइड है, मैं वो समझती हूँ ऑक्यूपेशन बहुत है, सो बहुत सारे प्रेस्टीजियस ऑक्यूपेशन, और मैं समझती हूँ हर ऑक्यूपेशन प्रेस्टीजियस है, लेकिन आर्मी में जो प्राइड है वो कहीं नहीं। जब भी हम इंडियन आर्मी की बात करें या सोचें, ऑल वी गेट इन आवर माइंड इज हीरोइज्म, सेफ्टी, प्राइड एंड ऑनर। और समझती हूँ इंडियन आर्मी का जो मोटो है बहुत ही एप्ट यहाँ पर, मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगी इस सेशन को समाप्त करने से पहले, सेवा परमो धर्मः, मैं समझती हूँ सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं हमारे सर जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, कर्नल आकाश सर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी, आप हमारे साथ मौजूद हुए, आपने खुद यहाँ पर आकर आपने जो हमारे दर्शकों को प्रेरणा दी है, मुझे खुद आपने प्रेरणा दी है, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद सर। थैंक यू। और मैं हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, इस प्रेरणा को बनाए रखिए और कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होंगे अपने एक नए सत्र के साथ पीएम विद्या चैनल पर। नमस्कार।